हम कहीं नहीं किया है, बांस पर रियल लगा करके जो है आया, मेड इन जापानी था वो रेडियो जो है जापान का था। एक दुकान था आपको समस्तीपुर में जो है से, इसका था क्या नाम था पुराना दुकान, तो उसी का था रेडियो का हारमोनियम का मुलवी साहब का दुकान था, जिसमें समस्तीपुर में होटल अभी चल रहा है अहूजा की क्या था वही करके जो है सो। तो मतलब रेडियो में जो पहले शो आता था किसी खास टाइम आता था क्या? हाँ, ये जैसे कि पटना से दिल्ली से सब खबरनामा जो है होता था ना, होता था आता था। अच्छा, जब उनके यहाँ बजता था तो पूरे इलाके के लोग, पूरा इलाका के लोग शाम में पहुंच जाते थे, दिन भर काम धंधा करते थे, एक घंटा बैठ करके लोग वही सुनते थे जो क्या क्या कहता है, बना अनुभवी चीज था, लोग सुनने को देखने को बड़ा हावी थे। अब तो जो है यह चीज हो गया जो कि देखिए घर घर में इतना है जो कि अब कहते भाई इसको बंद करो अब जो है इतना, अब इसमें हमारे घर में एगो बचपन है, एगो इसमें लगाया हुआ है, एगो उधर है, एगो टीवी है, फलना है चिन्ना है। अब कोई भी चीज है समय के अनुसार देखे तो ना, ऐसे ही हर मिसाल लगाने के बाद वो तो कान का भी डिस्टर्ब, माथा का भी डिस्टर्ब, सब चीज होता है। तो मतलब ये आपने ग्रामोफोन से देखा, ग्रामोफोन देखा, फिर रेडियो आया, फिर टीवी आया, फिर मोबाइल आ गया। मोबाइल आ गया, तो मतलब आपने एकदम शुरुआत से देखा है। हम लोग फोन से मोबाइल देख रहे हैं तो उस वक्त वो यूनिक चीज हुआ करता था। हाँ। नाजीरपुर में हम लोग का मालिक चमार था, इनके बाद ग्रामोफोन कलकत्ता से लाया, दसना का मालिक छवाना का मालिक है, चमार थे वो, उनका कलकत्ता खरबर चलता था। तो पहला ग्रामोफोन के हैं और दूसरा ग्रामोफोन के हैं। साइकिल जो है छोटे छोटे में लोग कहते थे बाइसिकल, तो मीर साहब थे हमारे यहाँ जिम्मे, भी जिम्मेदारी थे, आते थे वही बाइसिकल से घूमने के लिए, तो लोग कहते थे पाँव गाड़ी पाँव गाड़ी पाँव गाड़ी, कैसा होता भाई इतने, तो हम लोग दौड़ जाते थे देखने के लिए, सुनने के लिए, इतने बड़े थे ना तो दौड़ते थे भाई पाँव गाड़ी कैसा होता है, तो हम लोग जा करके बड़ा गौर से देखते थे जी यही है पाँव गाड़ी उस साइकिल को देखने के लिए हम लोग जितने लड़के बच्चे भीड़ हो जाए यही है पाँव गाड़ी। और उसके बाद तो फिर साइकिल, और साइकिल के बाद तो फिर मोटरसाइकिल। उस जमाने में मोटरसाइकिल हमारे यहाँ एक खिरीचन महतो के पास कुरी थे, उन्हीं के पास राजदूत मोटरसाइकिल था और घोड़ा भी रखते थे, उस जिम्मेदारी के समय में तो घोड़े का ज़्यादा चलन था। इनके यहाँ हाथी और घोड़ा दोनों थे, इनके यहाँ मोटरसाइकिल लड़का ये सब का चलन नहीं था। अब लड़का बच्चा हुआ तो मोटरसाइकिल कार फार लिया लिया, हाथी जो है हम लोग खूब चढ़ते थे, समझे कि नहीं, हाथी से जो है सो चौर में चिचोरी चढ़ने जाता था, चाहे बौर के पेड़ में काटने के लिए आता था तो उसको लदवा भी देते थे, हम लोग चढ़ते भी थे, पोखरी में स्नान करने जाते तो चौर के जाते थे, उसको मरते थे, नहाते थे, जो बचपना का है। उसके बाद हाथी मरा तो हम लोग घींच घाच के उसको दफना भी दिए, कहा जो तुम्हारा बहुत दिन है, हम लोग तुम्हारे पा करके खेले कूदे, लेकिन अब चलो तुम, घोड़ा भी था वो भी खत्म हो गया। तो जमीन वो सब जिम्मेदारी का जो है शोभा था, घोड़ा हाथी, ये तो कार या मोटरसाइकिल, या साइकिल तो बाद में आई है, लोग पैदल चलते थे। हम लोग उस जमाने में यहाँ से चमथा पड़ता है आपको मैंने करीब 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पैदल जाते थे गंगा स्नान, आज 4 बजे चलते थे, रात में विद्यापति रुक जाते थे, उसके बाद फिर वहाँ से चलते थे स्नान करके, फिर हम लोग ठहरना होता था ठहर करके भोजन भात बना खा पी के फिर चलते थे पैदल, कोई सवारी फवारी बैलगाड़ी की सवारी थी, बैले गाड़ी की सवारी से खेत पथार जोतना फोतना, उस समय कोई ट्रैक्टर फ्रैक्टर नहीं, क्यों था मैं बालेश्वर बाबू को और रामेश्वर बाबू को दर्शन चलाया, यही 2 आदमी का ट्रैक्टर था, इनके पास जिमींदार थे खेती था उनके पास ट्रैक्टर था, अरे तो इनके पास 3-3 को 6-6 को बैल था, 3-3 को हर चलता था, पूरा 300 बीघा में खेती होता था।